इस क्लास 11 वी वर डूइंग बिजनेस स्टडी एंड बिजनेस स्टडी में हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ था बेटा, और चैप्टर फर्स्ट में हम मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर कर चुके हैं। लास्ट वन और टू आई थिंक थ्री टॉपिक्स आर देयर जो कि हमारे रह गए हैं, तो आज हम उसको कवर करते हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम सबको पता है कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना ही बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन अगर हम देखें बेटा आजकल की सोसाइटी में या फिर आजकल के एरा में, तो हम ये मानते हैं कि बिजनेस ठीक है, प्रॉफिट तो अर्न करे, लेकिन इसके साथ साथ उसको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्यों कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। क्योंकि बेटा सोसाइटी जो एक बिजनेस है वो क्या करता है, सोसाइटी के सभी रिसोर्सेज का यूज करता है फॉर डूइंग बिजनेस, अपने बिजनेस करने के लिए, फॉर मेंटेनिंग बिजनेस, फॉर इट्स ग्रोथ ऑफ बिजनेस। तो वो क्या कर रहा है, सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज करता है। कैसे? जैसे सोसाइटी बिजनेस क्या यूज करता है, सोसाइटी की रोड्स को यूज करता है, सोसाइटी की वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों को यूज करता है। एंड नॉट ओनली दैट, जो उसके कस्टमर, जो उसके प्रोजेक्ट के कस्टमर्स हैं वो भी सोसाइटी से ही आते हैं। तो ये माना जाता है कि अगर वो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए भी बिजनेस कुछ वर्क करता है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर आप कस्टमर के वेलफेयर के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, तो अल्टीमेटली फायदा भी बिजनेस को ही होने वाला है। चलिए ये तो एक दूसरी बात है। तो अब हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एक्चुअली में है। तो हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस को क्लासिफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इनटू टू पार्ट्स। हम कहेंगे कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अर्निंग मनी, पैसा कमाना तो है ही उसका मेन मोटिव। तो जब मैंने आपको मैंने इसे समझा रखी है, और अगर हम मनी अर्न करने के लिए कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि बिजनेस का फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है उसको मैं कैटेगराइज करूँगी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, एंड सेकेंड जो हम ऑब्जेक्टिव्स लेके चलेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स बिजनेस को प्रॉफिट तो अर्न करना ही चाहिए, लेकिन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी वर्क करना बिजनेस का क्या होता है, काम होता है। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में कैसे, फिर से हम इसको क्लासिफाई करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट इज टू अर्न प्रॉफिट। हम सबको पता है कि हर एक बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। यहाँ पर हमें यह देखना पड़ेगा बेटा कि प्रॉफिट क्यों चाहिए बिजनेस। तो हम सबको पता है कि बिजनेसमैन है, रिस्क ले रहा है, बिजनेस कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको उसके लिए रिवॉर्ड चाहिए। तो वो रिवॉर्ड क्या है, उसका प्रॉफिट ही है जो उसको मिलना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि बिजनेस का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है। अब बिजनेस में टू टाइप ऑफ प्रॉफिट होते हैं, एक तो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट और एक होता है सफिशिएंट प्रॉफिट। हम दो टर्म्स को लेके चलते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड सफिशिएंट प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट बेटा कैसे हम अर्न कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट एक बिजनेस कैसे अर्न कर सकता है, कैसे, अगर वो अडॉप्ट करे वेरियस मैल प्रैक्टिसेस या वेरियस इलीगल प्रैक्टिसेस, इलीगल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। जैसे अडल्ट्रेशन करके या फिर होल्डिंग ऑफ द गुड्स करके, मतलब गुड्स को स्टोर करके रखे और उसकी शॉर्टेज हो जाए, तो जब डिमांड उसकी बहुत बढ़ेगी तो वो बहुत ज़्यादा प्राइस पे उसको बेचे। जैसे हम अनियंस के केस में देखते हैं, कई बार हम देखते हैं कि अनियंस की शॉर्टेज हो जाती है, तो क्यों हो जाती है, लोग उसको स्टोर करके रखते हैं, तो बिजनेसमैन होते हैं और जब जैसे शॉर्टेज होती है तो नेचुरली प्राइस इंक्रीज होती है, तो उस टाइम वो अपनी चीज़ों को निकालते हैं बेचने के लिए। तो ऐसी बेकार की प्रैक्टिसेज या इलीगल प्रैक्टिसेज, जो प्रैक्टिसेज सही नहीं है, ऐसे में इन्वॉल्व होकर एक बिजनेसमैन मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकता है। लेकिन हमारे बिजनेस का जब हम ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं तो ये कहेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव नहीं है, बल्कि क्या है, सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। सफिशिएंट प्रॉफिट करना, अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट होता क्या है, सफिशिएंट प्रॉफिट मीन्स ऐसा प्रॉफिट जहाँ पर आप बिना किसी गलत प्रैक्टिसेज में इन्वॉल्व हुए, जितना आपका प्रॉफिट बनता है आप उतना ही प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और किसी गलत प्रैक्टिस को क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो प्रॉफिट अर्न करना चाहिए बिजनेस को, सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, बजाय कि मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ भागने और अलाउ। देन
कम टू सेकंड, और क्या होता है और प्रॉफिट और बिजनेस का क्या है तो सेकंड हम जो लिखेंगे दैट इज इनोवेशन। देखो बेटा इनोवेशन क्या होता है, टू फाइंड आउट न्यू प्रोडक्ट और टू फाइंड आउट न्यू मेथड ऑफ कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट मीन्स हम कुछ नया अगर फाइंड आउट करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं इनोवेशन कहते हैं। तो बिजनेस का सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है इनोवेट करना है, कुछ नया टेक्निक ढूंढना या कुछ नया मेथड ढूंढना या फिर कुछ नया प्रोडक्ट को सर्च करना, कुछ नया फाइंड आउट करना जिससे क्या कर सके कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। फॉर एन एग्जाम्पल पहले क्या होता था, जो आपकी जो ऑयल होता था वो आपकी पॉलीथीन में पैक होके आता था एंड दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू आप उसको बहुत डिफिकल्ट था उसको स्टोर करके रखना, उसको मैनेज करना। फिर धीरे धीरे इनोवेशन हुआ, अब वही चीज़ आपकी कैन में आती है, बॉटल में आती है, यू हैव टू यू कैन यूज दैट, आप उसको यूज़ कीजिए, यूज इट एंड देन थ्रो इट, आप उस बॉटल को या कैन को थ्रो कर दीजिए किसी और चीज़ में, आप उसको यूज़ कर दीजिए। तो यही तो इनोवेशन है, मीन्स आप कुछ नया ढूंढिए, कुछ नया फाइंड आउट कीजिए ताकि कस्टमर क्या हो अट्रैक्ट होगा, और जब कस्टमर अट्रैक्ट होगा तो नेचुरली प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो मोटिव है ये प्रॉफिट से ही कंसर्न है। इनोवेशन मीन्स टू फाइंड आउट न्यू प्रोडक्ट और टू फाइंड आउट द मैथड ऑफ और न्यू टेक्निक ऑफ जनरेटिंग प्रोडक्ट्स या प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स। देन कम टू थर्ड, थर्ड सेज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन तो थर्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ एक्सपेंशन मीन्स एवरी बिजनेस वॉन्ट्स टू ग्रो, हर कोई बिजनेस चाहता है कि वो ग्रो करे एक्सपेंड करे। तो ग्रो कैसे कर सकते हैं, पता कैसे चलेगा कि एक बिजनेस ग्रो कर रहा है, अगर सपोज बिजनेस की सेल इंक्रीज हो रही है, बिजनेस की प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस के एम्प्लॉयज़ इंक्रीज हो रहे हैं, मीन्स ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की जरूरत पड़ रही है काम करने के लिए, तो इसका मतलब बिजनेस क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो मेरी कैसे पता चलेगा ग्रोथ कैसे पता चलती है बेटा, इंक्रीज इन सेल, आपकी सेल इंक्रीज हो रही है, आपको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है अपने काम के लिए, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, ग्रोथ और एक्सपेंशन हो रहा है बिजनेस का। ऐसे एक केस स्टडी आती है जिसमें एक सिचुएशन पूछा होता है कि सपोज एक जो बैंक है, बैंक ने क्या किया अपने एक और ब्रांच जो ओपन की, या किसी भी बिजनेस में अपनी ब्रांच ओपन की एक दूसरे एरिया में, तो बताइए कि वो कौन सा ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में भी कौन से के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम सबको ये चीज़ पता है बेटा कि अब बिजनेस स्टडी बहुत सिंपल नहीं रही, बिजनेस स्टडी में आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि केस स्टडीज में मेनली आपसे कंसेप्ट ही पूछे जाते हैं कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है, तो क्रैम करके चीज़ों को नहीं चल सकते, राइट। तो अभी हमने थ्री ऑब्जेक्टिव्स किए, तो तीन ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं बिजनेस के, फर्स्ट इज टू अर्न प्रॉफिट, सेकेंड इज इनोवेशन एंड थर्ड इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, राइट। अब करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। All know that social objectives are concerned with social welfare. Social welfare से क्या है वो concerned है, मतलब society की welfare के लिए काम करें। तो सबसे first easiest हम इसको लिख सकते हैं to provide the goods at lower price, to provide the goods and services. At optimum price, जितना बनता है उसका price, to provide good quality goods, good quality products. तो सबसे पहला easiest कि हर एक business का main motive ये है कि जो भी products वो available करा रहा है to its customer, so that should be a good quality. गुड क्वालिटी का भी होना चाहिए और साथ ही रीजनेबल प्राइस पे कस्टमर को प्रोवाइड कराना चाहिए, मुझे अननेसेसरी एक्स्ट्रा पैसा नहीं आपको लेना चाहिए, रीजनेबल प्राइस पे और गुड क्वालिटी गुड्स आपको प्रोवाइड करना चाहिए टू योर कस्टमर। सेकेंड क्या लिख सकते हैं, सेकेंड लिख सकते हैं टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। वी ऑल नो दैट इन
इंडिया इज अ कंट्री वेयर जहाँ पर आपको अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े क्वान्टिटी में मिलती है कि ऑल द मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनएम्प्लॉयड, मतलब जहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट देने की बहुत जरूरत है। अगर किसी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, रोजगार मिलता है, तो उससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, डेवलपमेंट होती है। तो बिजनेस को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, लेकिन यहाँ पर हम स्पेशल एम्फेसिस देंगे किस पर, किन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो सोशली डिसएडवांटेज पीपल हैं, सोशली डिसएडवांटेज पीपल जैसे बैकवर्ड क्लास की होती हैं, जो लोग जो बहुत बैकवर्ड हैं, एडवांस पीपल लाइक हैंडीकैप्ड पीपल हैं, जहाँ जिन लोगों को जॉब मिला बहुत मुश्किल है, हैंडीकैप्ड है, या फिर वो लोग होते हैं जो कि बैकग्राउंड जो कि क्या है बहुत बैकवर्ड एरियाज बैकवर्ड हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, एम्फेसाइज करना चाहिए कि उन लोगों को रोजगार दें, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। देन कम टू थर्ड, दैट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसमें हम क्या करके लिखने वाले हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट में बिना, कम्युनिटी मीन्स हम उस कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर एक बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है और जहाँ पर वो बिजनेस रन हो रहा है, जहाँ पर वो बिजनेस चल रहा है, तो उस एरिया को उसकी कम्युनिटी बोले। तो जहाँ पर बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है, जहाँ पर सिचुएटेड है, तो बिजनेस को सोचना चाहिए कि उसको उस कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए भी काम करना है। जैसे सपोज एक एरिया में बिजनेस जहाँ एस्टैब्लिश है, तो उसको वहाँ के लिए, वहाँ पर लोगों के लिए स्कूल खुलवाने चाहिए, वहाँ के लोगों के लिए क्लिनिक्स खुलवाने चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए ध्यान देना चाहिए, पार्क्स अगर वो बनवा देता है कम्युनिटी के लिए, तो ऐसे करके वो क्या कर सकते हैं, तो जहाँ पर वो एस्टैब्लिश है वो उस कम्युनिटी को क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तो इसीलिए बिजनेस का जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट मीन्स जिस कम्युनिटी में वो एस्टैब्लिश है उसको वो ग्रो या डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। इन कम टू लास्ट, दैट इज फोर, वन मिनट। देन फोर्थ लास्ट इज वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। अब ये तो हम सबको पता है कि एम्प्लॉयज भी तो सोसाइटी में से आते हैं, तो अगर हम बिजनेस की जो बिजनेस है, बिजनेस को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी बोनस या फिर अच्छे पे स्केल देने की कोशिश करनी चाहिए। सेकेंड, एक्सप्लॉयट नहीं करना चाहिए। एंड थर्ड, वैकेंसी जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं, जो उनकी वर्किंग कंडीशन है, उसको भी अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दिस इज प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, ताकि वो उनका जो एनवायरनमेंट है काम करने का वो अच्छे से बन सके, वो अच्छे तरह से काम कर सके। तो एम्प्लॉयज के वेलफेयर के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज भी सोसाइटी का क्या है, एक पार्ट है। तो अगर इसको फटाफट रिकैप करें तो दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मनी से कंसर्न है, जिसमें प्रॉफिट अर्न करना मेन है। देन सेकंड, इनोवेशन करना, एंड थर्ड क्या है, ग्रोथ करना। कम टू सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव इज कंसर्न विद सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। उसमें क्या क्या है, प्रोवाइड कराना गुड क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। सेकेंड क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट करना। थर्ड, जनरेट करना एम्प्लॉयमेंट। एंड फोर्थ क्या है, अपने एम्प्लॉयज की वेलफेयर पे ध्यान देना। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। रोल ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि खुद को हमें एक रिवॉर्ड चाहिए, हम रिस्क ले रहे हैं बिजनेसमैन,
तो काम कर रहा है तो इससे उसको प्रॉफिट अर्न करना चाहिए. नहीं, इसके बहुत रीज़न है. प्रॉफिट का बहुत रोल होता है इन अ बिजनेस. तो सबसे पहले तो हम ईजिएस्ट करते हैं दैट इज सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर बिजनेस. तो बिजनेस के इनकम का तो मेन सोर्स ही क्या है, प्रॉफिट ही है. तो मेन क्या है, प्रॉफिट क्या वर्क कर रहा है, क्या रोल है बिजनेस में उसका. बिजनेस में ये रोल है कि वो एक इनकम की तरह काम कर रहा है. जैसे हर एक की अपनी इनकम होती है, प्रोफेशन की क्या इनकम होती है, फीस वो अर्न करते हैं, प्रोफेशनल अर्न करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी जनरेट होती है, ऐसे बिजनेस की जो मेन इनकम है वो प्रॉफिट काम होती है. सिक इनकम करेंगे फॉर मीटिंग एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट. फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट इसमें क्यों, क्योंकि नेचुरली बात है प्रॉफिट एक तरह से इनकम तो है, लेकिन प्रॉफिट का यूज़ किस तरह से होता है. प्रॉफिट का यूज एक्सपेंड करने के लिए भी होता है. हम सबको पता है जितना एक बिजनेस का जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो बिजनेस क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा एक्सपेंड करेगा. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो आप अपनी डिफरेंट ब्रांचेस भी खोल सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं. अपने जो बिजनेस लो स्केल पर स्केल भी खुला हुआ है, स्मॉल स्केल पर, उसको हम लार्ज स्केल पर भी खोल सकते हैं. तो एक्सपेंशन तो तभी आप कर सकते हैं बिजनेस की जब आप क्या करेंगे, जब आपका प्रॉफिट आप अच्छा अर्न करने वाले हैं. तो प्रॉफिट का एक ये रोल भी है कि अगर प्रॉफिट अच्छा अर्न कर रहे हैं तो हम अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं या फिर ग्रोथ भी कर सकते हैं. थर्ड इज इंडिकेशन ऑफ एफिशिएंट वर्क. इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंट आपको पता है जैसे प्रॉफिट सिर्फ ये नहीं है कि आपकी इनकम है, बल्कि ये एक्चुअली में अगर हम आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, और अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं नेचुरली आप प्रॉफिट नहीं आ रहे. देखते हैं बेटा जैसे रिसोर्सेज हैं, अगर हम अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तभी हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. और अगर अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज ना करके उसको बेकार कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं सकते. तो इस अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो ये किसका इंडिकेटर है, इसका इंडिकेटर है कि वो बिजनेस या वो बिजनेस मैन अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा है, बहुत एफिशिएंटली यूज कर रहा है, या फिर वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है तभी तो वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है. तो प्रॉफिट एक इंडिकेटर भी है कि काम कैसा हो रहा है या बिजनेस कैसे चल रहा है. कम टू फोर्थ इज रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग. और नेचुरली बात है रिस्क टेकिंग का तो रिवॉर्ड प्रॉफिट है ही. आप क्योंकि हम एक लाइन है, एक फ्रेज है, जितना ज़्यादा एक बिजनेस रिस्क लेता है उतना ज़्यादा ही वो क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है. तो ये क्या है, जितना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं प्रॉफिट उतना ज़्यादा. तो एक ऐसे रिवॉर्ड है आपका, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं उसमें आप रिस्क ले रहे हैं. फिर ऑल नो दैट कि बिजनेस की जो हम चीज़ें होती हैं ये रिस्क होता है, बिजनेस में बहुत रिस्क होता है. क्यों होता है रिस्क, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है. तो ऐसे में क्योंकि आप रिस्क ले रहे हैं तो इसके बदले में आपको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट इज योर प्रॉफिट. एंड लास्ट इज नंबर फिफ्थ इज दैट इज रेपुटेशन. जो क्या करता है बिजनेस क्या कर रहा है, रेपुटेशन बिल्ड करता है, बिल्ड अप रेपुटेशन ऑफ बिजनेस. रेपुटेशन ऑफ बिजनेस मीन्स कि ये जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा बिजनेस के उतने ज़्यादा रेपुटेशन होगी मार्केट में. मीन्स क्या हुआ इस चीज़ का, इसका मतलब ये है कि अगर बिजनेस प्रॉफिट अच्छा अर्न करता है और अगर उसको किसी लोन की जरूरत पड़ती है, किसी भी तरह के रिक्वायरमेंट होती है लोन की, एट दैट टाइम उसका रेपुटेशन उसके प्रॉफिट से ही डिसाइड होता है. मीन्स कोई भी अगर पार्टी होगी और वो बिजनेस को लोन देते हुए ये ज़रूर सोचेगी कि बिजनेस कैसा प्रॉफिट अर्न कर रहा है. अगर बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा तो नेचुरली उसकी रेपुटेशन भी अच्छी है, और कोई भी पर्सन या कोई भी जो इंस्टीट्यूशन उसको बिजनेस को लोन देते हुए नहीं सोचेगा. मीन्स वो उसको लोन प्रोवाइड कर देगा.
तो एक तरह से इवन सप्लायर भी ये देखते हैं, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं बिजनेस को, देखते हैं कि बिजनेस कैसे प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो फिर इसके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो रेपुटेशन अच्छी है तो सप्लायर भी आपको क्रेडिट पे क्या करेगा, गुड्स अवेलेबल करा देगा। तो कुल मिला के भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट एक तरह से आपकी रेपुटेशन के लिए भी है। मीन्स अगर आप अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो मार्केट में आपकी अच्छी रेपुटेशन होगी और आप रिसोर्सेज को ईजिली गेट कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉफिट अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी रेपुटेशन नहीं है मार्केट में और आपको रिसोर्सेज गेट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। ठीक है, तो अब हम इसको फटाफट क्या आप करते हैं, हमें प्रॉफिट क्यों चाहिए। फर्स्ट इज सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस। नेचुरली काम कर रहे हैं तो इनकम तो मिलेगा ही बिजनेसमैन को। और मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट, ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है, उसके लिए प्रॉफिट बहुत जरूरी है। इनकम टू थर्ड इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस, क्योंकि आप अच्छे तरह से, ये आप एक तरह से आपका पैमाना है, आपका मेजरमेंट है कि आप कैसा काम कर रहे हैं। तो अगर आप प्रॉफिट अच्छा अर्न कर रहे हैं तो वहीं से इंडिकेशन मिल जाएगी कि आप अच्छा ही काम कर रहे होंगे, अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज कर रहे होंगे। देन रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, और नेचुरली रिस्क ले रहे हैं तो उसका तो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए बिजनेसमैन को, तो वो क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है। तो जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न करता है। देन लास्ट इज बिल्ड अप रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या होती है, रेपुटेशन की तरह काम करता है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा और उतनी ही बिजनेस क्या होगा, उतनी बिजनेस की रेपुटेशन इंक्रीज होगी, उतना ही ज़्यादा वो रिसोर्सेज को गेट कर पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन आवर बिजनेस, राइट। तो आज हमने दो टॉपिक किए और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आपका रहेगा रिस्क का, बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क लास्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।